हाय दोस्तों, तो यार कैसे हो आप सब। दोस्तों यदि आप भी YouTube पर आना चाहते हैं और कॉमेडी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, और दोस्तों यदि आपको नहीं पता कि यार स्टार्ट कैसे करना है, वीडियो शूट कैसे करनी है, स्क्रिप्ट कहाँ से लाएं, दोस्तों को अप्रोच कैसे करें, या दोस्तों आपको वीडियो को एडिट कैसे करना है, ऐसे कई सारे सवाल आपके मन में होंगे जो आपको डिमोटिवेट करते होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप सारा ट्यूटोरियल बताऊंगा कि ये सारी चीज़ें आपको करनी कैसे है। तो दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप ये सब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए, और दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना यार। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विमल सिंह और आप देख रहे हैं ओ मेरे यार टेक्निकल प्यार। तो दोस्तों कॉमेडी वाइंस बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप ये आता है कि आपको अपनी एक टीम जनरेट करनी पड़ेगी। मतलब कि दोस्तों यदि आप अपनी टीम में कुछ मेंबर रखना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको अपने दोस्तों को अप्रोच करना पड़ेगा कॉमेडी वाइंस में काम करने के लिए। तो यार आपको ऐसे दोस्त सिलेक्ट करने हैं जो हमेशा आपके साथ रहे, क्योंकि दोस्तों कई बार होता क्या है कि कई सारे लोग एक्साइटमेंट में कॉमेडी वाइंस में काम करने को तैयार तो हो जाते हैं, लेकिन एक वीडियो दो वीडियो के बाद डिमोटिवेट हो जाते हैं कि व्यूज़ नहीं आ रहा है, सब्सक्राइबर नहीं आ रहा है। तो दोस्तों इससे आपको नुकसान हो सकता है। तो आप ऐसे दोस्त जो आपके बहुत ज़्यादा करीबी हैं या जो आपका हमेशा सपोर्ट करते हैं, आप ऐसे दोस्तों को सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि वही आपकी हमेशा हेल्प कर सकेंगे। तो इस प्रकार से आपको दोस्तों को सिलेक्ट करना है, अच्छे दोस्तों को जो आपके साथ हमेशा रेगुलर रह सकें। आप किसी भी ऐसे बिजी इंसान को मत अप्रोच कीजिएगा जो आपकी कॉमेडी वाइंस के लिए टाइम ना निकाल सके। तो दोस्तों अब बात आती है स्क्रिप्ट की। तो दोस्तों आप तीन प्रकार से अपनी स्क्रिप्ट तैयार कर सकते हो। पहला तो या तो आप अपनी स्क्रिप्ट खुद बनाइए, या तो फिर दोस्तों आप सेकंड ऑप्शन चूज़ कीजिए कि आप किसी भी अपने फ्रेंड से या किसी भी स्क्रिप्ट राइटर से स्क्रिप्ट ले लीजिए, खरीद लीजिए। या तो फिर दोस्तों थर्ड ऑप्शन आपके पास ये है कि आप यूट्यूब पर कई सारे कॉमेडी वाइंस हैं, उन कॉमेडी वाइंस को कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने का मतलब ये नहीं कि दोस्तों उन्होंने जैसा वाइंस बनाया आप सेम टू सेम वैसा बना दें। दोस्तों आप उनकी स्क्रिप्ट को लीजिए और उसमें अच्छे से अच्छा क्या हो सकता है आपको उनकी कॉमेडी वाइंस से बेटर बनाना है। मतलब कि आप खुद से अपना कुछ कंटेंट लगाइए और उस स्क्रिप्ट को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाइए। तो दोस्तों इससे क्या होगा कि आपकी वीडियो कॉपी नहीं लगेगी और आपका वीडियो हो सकता है ज़्यादा अच्छा चले, या हो सकता है आप जो पुराने यूट्यूबर उनसे अच्छी कॉमेडी वाइंस प्रेजेंट कर पाए। तो दोस्तों ये ऑप्शन भी बहुत बेटर रहेगा। अब दोस्तों बात करते हैं शूटिंग की। तो आपको शूटिंग कैसे करनी है? तो दोस्तों इसका बहुत ही सिंपल आसान तरीका है। यदि आप दोस्तों शूटिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप जो यूट्यूबर हैं अमित बड़ाना, बीबी की बाइंस, या यू कहो तो हर्ष वैनीवाल, आशीष चंचलानी, इलवेश यादव, इन लोगों के आप दोस्तों यूट्यूब पर वीडियो देखिए और उनके वीडियो में दोस्तों आप नोटिस कीजिए कि वो जो है वीडियो को किस एंगल से शूट कर रहे हैं। मतलब कि यदि इलवेश यादव पार्क में शूट कर रहा है तो वो किस एंगल से अपना शूटिंग कर रहा है। तो दोस्तों आप भी उसी एंगल से शूटिंग कीजिए तो आपकी शूटिंग इस प्रकार से परफेक्ट हो सकती है। फिर धीरे धीरे दोस्तों आप इस चीज़ में एक्सपीरियंस हो जाएंगे, आपको इस चीज़ की आदत हो जाएगी, आप इस चीज़ को अच्छे से कर पाओगे, मतलब कि आप शूटिंग में एक्सपर्ट हो जाओगे। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपनी शूटिंग को बहुत ही अच्छे से कर सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं साउंड इफेक्ट की, कि आपको साउंड इफेक्ट कहाँ से लाना है। तो दोस्तों आप सीधा सिंपल यूट्यूब पे सर्च कीजिए आपको कौन से कॉमेडियन के ज़्यादा अच्छे साउंड इफेक्ट लगते हैं। यदि आपको इलवेश यादव के साउंड इफेक्ट अच्छे लगते हैं तो आप सीधा सीधा यूट्यूब पे डालिए इलवेश यादव साउंड इफेक्ट, तो आपके सामने कई सारे वीडियो ओपन हो जाएंगे। आप किसी भी एक वीडियो को डाउनलोड कीजिए, या तो फिर आप उन वीडियो में से किसी भी वीडियो का जो लिंक है उसको कॉपी कर लीजिए और एक ऑनलाइन वीडियो कन्वर्टर वेबसाइट आती है उस पर पेस्ट कर दीजिए, तो जो वीडियो होगी वो MP3 में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब कि आपको सारे के सारे जो साउंड इफेक्ट है वो MP3 में मिल जाएंगे। और दोस्तों एक और ज़रूरी बात मुझे आपको बतानी थी कि जैसे यदि आप कोई सी भी दूर के एरिया में वीडियो शूट कर रहे हैं, यदि आप दूर से वीडियो शूट कर रहे हैं तो आपको पता है कि जो साउंड है वो प्रॉपर तरीके से नहीं आएगा। तो दोस्तों आप क्या कीजिए, आप एक एक्स्ट्रा मोबाइल ले लीजिए, उसको अपने पॉकेट में रखिए और उससे हेडफोन को कनेक्ट करके अपने गले में डाल लीजिए। तो उससे क्या होगा दोस्तों, आपका जो वीडियो है वो दूर से शूट होता रहेगा और आपका जो साउंड है दोस्तों वो आपका जो माइक्रोफोन है या यू कहो तो हेडफोन है उससे आपका साउंड रिकॉर्ड हो जाएगा। फिर दोस्तों आप जो भी वीडियो एडिटर यूज़ करोगे उसमें अलग से वीडियो डाल दीजिएगा, अलग से साउंड डाल दीजिएगा। इससे दोस्तों आपका जो वीडियो का साउंड है वो काफ़ी अच्छा आएगा और आपके वीडियो को बहुत ही अच्छा प्रोफेशनल बनाएगा। और दोस्तों आपको एक और बात ज़रूरी बतानी थी कि
यदि आप अपनी कॉमेडी वॉइस में गाने का यूज़ करते हैं तो आपको जो गाने हैं उनको 30 सेकंड से ज़्यादा का यूज़ नहीं करना है, नहीं तो आपका जो वीडियो है वो शेयरिंग में चले जाएगा, आपको उससे कुछ भी प्रॉफिट नहीं होने वाला। या आप यदि आप दो गाने यूज़ कर रहे हो तो दोनों को 30-30 सेकंड तक यूज़ कर सकते हो, मतलब पहला गाना आपने 30 सेकंड यूज़ किया, फिर दूसरा गाना दोस्तों आपने 30 सेकंड यूज़ किया, लेकिन 30 सेकंड से आपको ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, और हो सके तो 30 सेकंड से कम का ही गाना यूज़ करना, या तो 28 कर लेना या तो 25 सेकंड कर लेना, लेकिन दोस्तों 30 सेकंड से कम का ही गाना आपको यूज़ करना है। अब दोस्तों बात करते हैं कि आपने वीडियो शूट कर ली, आपके पास स्क्रिप्ट भी है, दोस्त भी है, सारी चीज़ें आपके पास हो चुकी हैं, अब दोस्तों फाइनल स्टेप है आपको वीडियो एडिट कैसे करना है। तो दोस्तों यदि आप मोबाइल से वीडियो को शूट कर रहे हो तो मैं आपको दो एप्लीकेशन बताऊंगा जिससे आप मोबाइल में अच्छी खासी एडिटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों पहला एप्लीकेशन काइनमास्टर, जिसमें बहुत ही अच्छी वीडियो शूट होती है, और उसमें वाटरमार्क का प्रॉब्लम होगा तो मैं उस एप्लीकेशन का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप उस लिंक से डाउनलोड करेंगे तो आपको जो काइनमास्टर है उसमें ग्रीन इफेक्ट भी मिलेगा, प्लस दोस्तों आपको वाटरमार्क नहीं मिलेगा। अब दोस्तों जो सेकंड एप्लीकेशन है वो है पावर डायरेक्टर। तो दोस्तों पावर डायरेक्टर में भी आपको मिलेगा वाटरमार्क, तो उस एप्लीकेशन का लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप अगर वहां से डाउनलोड करते हैं तो आपको वाटरमार्क नहीं मिलेगा। दोस्तों ये दोनों एप्लीकेशन बहुत ही अच्छा वर्क करते हैं और बहुत ही अच्छी क्वालिटी में आपकी वीडियो को एडिट कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप इस वीडियो से आप समझ ही गए होंगे कि आपको कॉमेडी वॉइस में शुरुआत कैसे करनी है, वीडियो शूट कैसे करनी है, कौन से कैमरा एंगल से वीडियो शूट करनी है, साउंड इफेक्ट कहाँ से लाना है, और कैसे स्क्रिप्ट का प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करना है, और कैसे क्या सारी चीज़ें करनी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों हमारे YouTube चैनल टेक्निकल प्यार को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अच्छा दोस्तों अब मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।